हेलो मेडिकोस इस सीरीज़ में मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ पहले विल स्टार्ट विद ब्लड एंड इम्यूनिटी इसके बाद में आपको जो सीखना है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टार्टिंग विद ब्लड वॉट इज़ ब्लड ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिशू या फिर से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिशू दैट फिल्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स वट इज़ द कम्पोजिशन ऑफ ब्लड नाउ एक सेल्युलर कंपोनेंट है एक फ्लूड कंपोनेंट है सेलुलर कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड फ्लूड कंपोनेंट इज़ प्लाज्मा नाउ इन सेलुलर कंपोनेंट्स देर आर रेड सेल्स व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स रेड सेल्स आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स वाइट सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर फ्रॉम्बोसाइट्स प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है वाटर 92% प्लाज्मा प्रोटीन्स सेवन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन है एल्ब्यूमिन ग्लोबिरन एंड फाइब्रेनोजन और अदर सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिय एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ठीक है नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज सीरम सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम दिस इज इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नाउ प्लाज्मा प्रोटीन्स व्हाट आर प्लाज्मा प्रोटीन्स दिसज आर मेजर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ प्लाज्मा दो टाइप के सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंस है प्लाज्मा के एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स और एक अदर सॉल्यूट्स तो मेजर वाले कौन से हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें तीन है एल्ब्यूमिन ग्लोब्योलिन और फाइब्रिनोजिन नाउ इन एल्ब्यूमिन इट इज़ फॉर्म्ड इन लिवर इट हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर और सबसे कम एल्ब्यूमिन का वेट है वेट की वैल्यू जानना जरूरी नहीं है इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसका वेट सबसे कम है हाफ लाइफ इज ऑफ ट्वेंटी डेज ठीक है ना क्लिनिकल लिंक विच इज़ रिलेटेड टू एल्ब्यूमिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन सर्डन किडनी डिजीजेज से नेफ्रोटिक सिंड्रोम जहाँ पर ग्लोमुलर इंजरी हो जाती है एल्ब्यूमिन स्टार्ट अपेयरिंग इन यूरिन नॉर्मली प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है बट अगर ग्लोमेरुलर इंजरी हो गई तो एल्ब्यूमिन यूरिन में अपेयर होता है तो अब यूरिन में लॉस हो रहा है तो डिक्रीज होता है उसका अमाउंट प्लाज्मा में सोना अगर एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है तो हाइपो एल्ब्यूमिनमिया होता है प्लाज्मा में ठीक है तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन एक तो एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है इसलिए कम हो सकता है या तो लिवर डिजीज में कम बनता है इसलिए एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में कम हो सकता है ना एल्ब्यूमिन कम हो गया तो मेन एल्ब्यूमिन का काम है कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना पर अब एल्ब्यूमिन कम हो गया तो कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा नर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर्स एक कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर है और एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम यह है कि इंट्रा कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा वेस्कुलर कम्पार्टमेंट में फ्लूड पुश करना और कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर का काम यह है कि फ्लूइड को वैस्कुलर कंपार्टमेंट में रिटेन करना नॉर्मल कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ट्वेंटी फाइव एम एम एच जी बट अभी अगर कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड अंदर रिटेन नहीं होगा और फ्लूइड एक्स्ट्रा वैस्कुलर कम्पार्टमेंट में जाएगा तो उससे इडिमा फॉर्म होगा वट इज़ इडिमा इडिमा इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द इंटस्टिशल्स टिश्यू या फिर अक्यूमुलेशन होता है फ्लूड का बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द इंट्रा कंपार्टमेंट टू द एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट जैसे यहाँ पे देखो ये पैर ऐसा बड़ा हो गया है बिकॉज वहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन हुआ है ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन इज ऑल्सो फॉर्मड इन लिवर मेनली सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स लिवर में ही फॉर्म होते हैं ग्लोबुलिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन सेल्स ऑफ रेटिक्यूल एंडोथिलियल सिस्टम जैसे मा, जैसे माइक्रोफेज मोनोसाइट्स एंड इन प्लाज्मा सेल्स ठीक है नाउ देर आर थ्री टाइप्स अल्फा बीटा एंड गामा इसका मॉलिकुलर वेट एल्ब्यूमिन से ज़्यादा है बट फाइब्रीनोजन से कम है ठीक है ना ग्लोबिलस अभी क्या क्या काम है ग्लोबिलंस का दे एक्टर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दे फॉर्म लाइपोप्रोटीन्स एंड दे फॉर्म एंटीबॉडीज नाव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लाइक ट्रांसफेरिन एंड सेरेलोप्लाजमिन ट्रांसफेरिन किसको ट्रांसपोर्ट करता है आयन को और सेरेलोप्लाजमिन किसको ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर को सो ऑल दीज आर ग्लोब्यूलिनस और ग्लोबिलंस का काम क्या है लाइपोप्रोटींस बनाना इन कॉम्बिनेशन विथ लिपिड्स और एक दूसरा तीसरा काम है एंटीबॉडीज़ फॉर्म करना ना एंटीबॉडीज़ विल हेल्प यू इन योर इम्यूनिटी यहाँ पे क्लिनिकल लिंक क्या इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन टू ग्लोबिलिन रेशियो नॉर्मल रेंज क्या है वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव टू वन सो नाउ दिस कैन बी रिवर्स और ऑल्टर्ड इन मैनी डिजीजेज जैसे अभी हमने बात की थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा एल्बीमिन यूरिया हो रहा था एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा था इन यूरिन तो एजी रेशो जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज एल्ब्यूमिन कम हो रहा है ठीक है नाउ इन लिवर डिजीज लाइक साइरसिस जिसमें एल्ब्यूमिन कम बन रहा है उसमें भी एजी रेशो ऑल्टर हो सकता है एंड एंड मल्टीपल मालूमा जिसमें ग्लोब्यूल बढ़ रहे हैं इसमें रेशो रिवर्स हो सकता है दिस इज वाई जी रेशो इज इम्पॉर्टेंट नाउ फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन का मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसड इन लिवर इट हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ ई एस आर एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द विस्कॉसिटी ऑफ प्लाज्मा ये तीनों की बातें हम आप अच्छे से करेंगे नंबर इज ई एस आर ई एस आर इज़ एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट द रेट एट विच सेडिमेंट ठीक है अभी नॉर्मल क्या होता है एरेथ्रोसाइट्स हैव अ प्रॉपर्टी लाइक रेड सेल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रोले फॉर्मेशन व्हाट इज़ रोले फॉर्मेशन पाइलिंग ऑफ वन आरबीसी ऑन अनादर उनकी ये प्रॉपर्टी है आर की नाउ जो वेट ऑफ द पाइल्ड आर टू वेट ऑफ द इंडिविजुअल आर किसका वेट ज़्यादा रहेगा पाइल्ड आर का तो नाउ वेन यू अलाउ द ब्लड टू सेटल द पाइल्ड आर विल सेडिमेंट ठीक है तो ये नॉर्मली नहीं होता है इन नॉर्मल केसेस ये नहीं होता है बिकॉज रेड सेल्स में उनकी मेम्रेन में नेगेटिव चार्ज रहता है जो एक रेड सेल को दूसरे से रेड सेल से रिपेल करते हैं बट अगर आपका फैब्रीनोजन बढ़ जाता है तो वो ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर देगा और रिमूव कर देगा रिपेलिंग फोर्सेस को जिसकी वजह से रोले फॉर्मेशन प्रमोट होगा तो नाउ व्हाट इज रोले फॉर्मेशन पाइलिंग ऑफ वन आर ऑन अनादर वेट ऑफ पाइल्ड रेड सेल इज़ मोर इसलिए वेन ब्लड इज अलाउड टू सेटल सेडिमेंटेशन ऑफ एरेथ्रोसाइज इज फैसिलिटेटेड इसमें फाइब्रेनोजेंस कैसे रोल प्ले करेंगे ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके ठीक है नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स ठीक है देर आर नाइन इंपॉर्टेंट फंक्शंस फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पीछे भी डिस्कस किया ठीक है एल्ब्यूमिन मेनली का एज ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का मेन काम है एल्ब्यूमिनस का प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स इनका का, काम क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना विच इज रिटेनिंग फ्लूइड इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इडीमा ठीक है एंड मेनली इज मीडिएटेड बाय एल्ब्यूमिन ये इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट इज विस्कोसिटी विस्कोसिटी प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और फिफ्टी परसेंट में ज़्यादा कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ फाइब्रिनोजन इट इज़ एलोंगेटेड एंड फाइब्रिलर इन शेप देर फोर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर एन विस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड थर्ड है इम्यूनिटी जैसे पीछे बोला था यहाँ पे कि ग्लोब्युलंस गैमाग्लोबुलन्स और एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ क्या आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है तो एंटीबॉडीज और प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट आर मेड बाय प्लाज्मा सेल्स ठीक है दिस मीडिएट मेनली द यूमरल इम्यूनिटी हमें पता है बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो रहता है ये भी हम आगे कवर करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज कोग्यूलेशन क्वेगुलेशन में फाइब्रिनोजन फॉर्म्स फाइब्रिन थ्रेड विच इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ ब्लड कोएगुलेशन तो फाइब्रिनोजन भी अगेन ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प कर रहा है विस्कोसिटी में हेल्प कर रहा है ठीक है ना और ट्रांसपोर्ट में ग्लोब्योलेंस अगेन प्लाज्मा प्रोटीन सर्व एज कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स ड्रग्स एंड मेटल्स मेटल्स में हमने यहाँ देखा था ट्रांसफेरिन एंड सेरुलर राइट एंड देन बफरिंग बफरिंग इन प्लाज्मा प्रोटीन सर्व एज प्रोटीन बफर्स तो इसलिए वो एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज प्रोटीन स्टोर्स सो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स आर मोबाइल प्रोटीन स्टोर्स तो जब भी ड्यूरिंग uh, डेफिशिएंसी uh, होता है प्रोटीन्स uh, की जब डेफिशिएंसी होती है तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर यूटिलाइज फॉर टिश्यू ग्रोथ नेक्स्ट इज सिंथेटिक फंक्शंस लाइक इन द सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन सो प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ ई हमने पीछे ई एस देखा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट फाइब्रनोजन कैसे फैसिलिटेट करता है हमने यहाँ पे देखा था बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑफ द द नेगेटिव चार्ज ऑफ द मेमरिन ऑफ द आर उसको न्यूट्रलाइज़ करके इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ ई ठीक है इनक्रीजेज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ रेड सेल्स ना आई हैव मेड ए निमोनिक फॉर दिस ओ वी सैट ड्यूरिंग सी टी स्कैन एंड बी पी ठीक है तो ओ वी इज अ प परसन हुट ड्यूरिंग सी टी स्कैन एंड बी पी ठीक है ना ओ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर वी फॉर विस्कॉसिटी आई फॉर इम्यूनिटी ठीक है सैट के सैट के एस से सिंथेसिस एंड ड्यूरिंग के डी से डिटर्मिनेशन ऑफ ई एस आर सी टी से कोएगुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड बी पी से बफरिंग एंड प्रोटीन स्टोर होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब